दोस्तों 9 प्लैनेट, 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, इस पे वीडियो की सीरीज बन रही है। सबसे पहले हम प्लैनेट की बात कर रहे थे, तो 7 प्लैनेट, अभी मैं राहु केतु को छोड़ के 7 प्लैनेट में आज अंतिम वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ। इसके कारक तत्व को बताऊंगा, गैस आपने खुद करना है। वीडियो में तो आगे डिस्क्लोज हो ही जाएगा, बट अगर आप यूट्यूब में मुझे आंसर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों हमारे मानव शरीर में जो एनर्जी है उसका ये कारक है। जो भी भगवान ने हमें विजडम दी है या मरकरी ने जो हमें इंटेलिजेंस दी है, इसको हमें डिलीवर भी करना होता है। डिलीवर कौन करता है, एग्जीक्यूशन कौन करता है, वो यही प्लैनेट करता है। फायरी प्लैनेट है, डिफेंस सर्विसेज है, ईगो है इसमें बहुत ज़्यादा, ह्यूमिनिटी भी है प्लस साइड में देखा जाए तो। लड़ाई झगड़े का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, प्रोस्पेरिटी का भी कुछ हद तक कारक कह सकते हो, एक्सीडेंट का कारक है, सर्जरी का कारक है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं लोग, और साउथ डायरेक्शन का कारक है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सीधे उस विषय पे आते हैं जिस विषय की बात हो रही है। बात हो रही है मंगल प्लैनेट। मंगल को डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में मांगलिक दोष का कारक भी कहा जाता है। वो घर पहले बता देता हूँ आपको। 12th हाउस में, 12th हाउस हमारा शारीरिक संबंध, बेड प्लेजर का कारक है। वहाँ मंगल को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। वहाँ मंगल वैसे भी मांगलिक दोष लगाता है। 12वां घर हमारे खर्चे का भी है, वहाँ भी मांगलिक दोष लगता है मंगल के बैठने से। लगन में मांगलिक दोष लगाता है, 2nd हाउस में मांगलिक दोष लगाता है। 2nd हाउस को कुछ जगह नहीं लेते, बट मैं लेता हूँ। 4th हाउस में मांगलिक दोष लगाता है, 7th हाउस में और 8th में मंगल मांगलिक दोष लगाता है। दोस्तों अभी इसके मैंने मंगल के कारक तत्व बताए आपको। मंगल के बारे में मार्केट में भय भी बहुत उत्पन्न होता है, बहुत उत्पन्न भय कि मंगल ये है, मंगल वो है। लेकिन एक बात बता दूं, केएन राव सर ने 4 प्लैनेट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला था। अगर ये 4 प्लैनेट चार्ट में अच्छे बैठ जाएं, तो आप जन्मपत्री बंद करके देख रख देना, क्योंकि ये बहुत बड़े सूत्रधार है मानव जीवन की सफलता के। उसमें से सबसे पहले उन्होंने मून और सन की बात की थी, 3रा प्लैनेट मंगल बोला था और 4था राहु बोला था। ये 4 प्लैनेट किसी के भी अच्छे हों, उस व्यक्ति को मंजिल तक पहुँचने से, जीवन में सारी उपलब्धियाँ हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में सबसे पहले 1st भाव में मंगल क्या फल देगा। अब मंगल के मैंने कारक तत्व बताए हैं, मंगल जीत का भी कारक है, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं बताया। तो 1st हाउस में जब भी मंगल होगा, थोड़ा व्यक्ति उतावला जरूर होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जल्दबाजी में काम उल्टे सीधे भी कर सकता है, गुस्से वाला बहुत होगा, ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट हो सकते हैं सर पे, क्योंकि 1st हाउस हमारा सर है, बॉडी का, सर पे चोट भी लग सकती है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति मैथमेटिक्स में जरूर अच्छा होगा, अच्छा ह्यूमिनिटी भी होगा, अगर लड़ाई झगड़ा कर भी लेना बहुत जल्दी समझ जाएगा, माफी भी मांग लेगा, समझौता भी कर लेगा। तो मंगल 1st हाउस में हमें फायरी प्लैनेट है, एनर्जी बहुत देगा, एग्जीक्यूशन की पावर बहुत ज्यादा देगा। 2nd हाउस में मंगल क्या करेगा, 2nd हाउस हमारा धन का है, धन को कमाने में हम उतावले रहेंगे, हम धन को लोन लेने में भी उतावले रहेंगे और लोन देने में भी उतावले लेंगे। वाणी का कारक है, गुस्से वाली वाणी होगी, क्योंकि मंगल गुस्से का कारक है। 2nd हाउस हमारा धन का है, तो ये भी हो सकता है हम प्रॉपर्टी से या मंगल के डिफेंस सर्विसेज से पैसा कमाने में सक्षम हों। धन, वाणी, कुटुंब, तो हमारा कुटुंब का संबंध भी मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस से हो सकता है, और हमारा परिवार प्रॉपर्टी से भी कनेक्टेड हो सकता है। मंगल हमारा फेस पे एकदम एक लाल रंग की ऊर्जा देगा, मतलब हमारे चेहरे पे कहीं ना कहीं आपको लाल लाल रंग दिखेगा। क्योंकि मंगल कर्ज का भी कारक है, तो कर्ज से आपको धन इजीली मिल जाया करेगा, लेकिन इस सब की प्रिडिक्शन में भाव, भवेश कारक और किस लगन की बात हो रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इंदिरा जी के चार्ट में कैंसर लगन था 10th और 5th लॉर्डों के, मंगल शायद 2nd हाउस में बैठे थे और सूर्य के साथ राशि परिवर्तन योग में थे, तो बहुत अच्छा कर्क लगन के लिए तो बहुत अच्छा है मंगल का 2nd। और मंगल को संयम करने वाले भी 2 प्लैनेट होते हैं। अगर मंगल के साथ जुपिटर या सूर्य में से कोई एक भी प्लैनेट लगन में या 2nd हाउस में एक साथ
बैठा रहेगा तो आपका मंगल कंट्रोल्ड रहेगा, आप में बहुत ज्यादा एग्रेशन की नहीं पाया जाएगा, थोड़ा कंट्रोल्ड एग्रेशन पाया जाएगा। थर्ड हाउस पराक्रम का यहाँ मंगल का बहुत अच्छा है, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में सफलता दिला सकता है। आज की डेट में मैक्सिमम जंग थर्ड हाउस से ही लड़ी जा रही है बिजनेस की। जो रील बनाते हैं, जो मेरे जैसे वीडियो बनाने वाले हैं, इनका जब तक थर्ड हाउस एक्टिवेट नहीं हुआ आप लोग रील भी नहीं बना सकते, इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा सकते। तो थर्ड हाउस का मंगल अगर 10th लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में है तो आपको बहुत ज्यादा, कर्क लगन की बात कर लो, चलो कर्क लगन में 10th लॉर्ड है, थर्ड हाउस में बैठ गया, 5th लॉर्ड है, यानी एस्ट्रोलॉजी की भी दुनिया से जुड़ के आप रील बना रहे, मतलब अपने यूट्यूब पे जो वीडियो बनाएंगे उसमें 10th हाउस और कर्म का भाव और 5th हाउस एक्टिवेशन में आ गया। 4th हाउस का मंगल ये क्या करने वाला है? देखो 4th हाउस सुख स्थान है, यहाँ वीनस और मून जैसे प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ गुस्से वाला प्लेनेट, एग्रेशन वाला प्लेनेट, फायरी प्लेनेट बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। आपकी मदर का नेचर भी थोड़ी एग्रेशन में रह सकता है। पंचम भाव का मंगल, पंचम भाव हमारी बुद्धि का है। जब सेकेंड हाउस में मंगल बैठा था वो पंचम को देख रहा था, 8th को देख रहा था, 9th को देख रहा था। 8th को देखना सेकेंड हाउस के मंगल का बीमारियों के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन पंचम में बैठा मंगल और सेकेंड हाउस में बैठा पंचम को देखेगा, आप बहुत तेज बुद्धि के व्यक्ति होंगे। बुद्धि ऐसे व्यक्ति की बड़ी लाजवाब होती है, मेरे खुद का भी पंचम में बैठा हुआ मंगल है। तो पंचम का मंगल बुद्धि के मामले में बड़ा प्रखर है, आपकी संतान थोड़ी, पहली संतान थोड़ी गुस्से वाली होगी, एनर्जेटिक होगी। छठे घर का मंगल रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी, तो इन सब से कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। रोग में ये कह सकता हूं आपको डिसीज दे सकता है, कर्ज का कारक है, कर्ज जरूर दे सकता है, खासकर अगर इनेमी साइन में कोई भी प्लेनेट बैठता है उस भाव के कारक तत्वों को खराब करता है। तो अगर इनेमी साइन में हुआ तो कर्ज उतार नहीं पाओगे आप, फ्रेंडली साइन में हुआ कर्ज ले भी लिया तो उतार दोगे, हाँ आप दुश्मनों के ऊपर जीत करने में हासिल हो जाओगे। सप्तम का मंगल मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डेंट मारता है, गुस्से वाली वाइफ मिल सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं करने वाला, पार्टनर भी अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। अष्टम का मंगल ये भी डिसीजेस के लिए अच्छा नहीं मानेगा, कर्ज का कारक है तो कर्ज यहाँ जरूर देता है। आठवें घर का मंगल अपनी दशा में बहुत कर्ज चढ़ा देता है, तो आठवें घर का मंगल डिसीज भी, ब्लड डिसीज बहुत देता है, क्योंकि ऐसी डिसीज है जिनकी लंबा उपचार चलता है, जैसे डायबिटीज हो गया तो ये डायबिटीज जरूर देगा। नवम भाव का मंगल आपको, देखो धर्म की पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छा है, धर्म का घर है ये, भगवान हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान हनुमान की पूजा कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूर दराज की यात्राएं भी करा देगा, क्योंकि ये 12वें घर को भी देख रहा है चौथी दृष्टि से, यहाँ पे बैठ के थर्ड हाउस को देख रहा है, उसकी थर्ड हाउस पे मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी है। शायद धोनी के चार्ट में मैंने ये योग देखा था, उनका मंगल 9th हाउस से थर्ड हाउस को देख रहा है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव स्किल के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर मंगल का बैठना। दशम भाव का मंगल दिग्बली होता है, कुल दीपक समान ऐसे व्यक्ति का जीवन रहता है, यानी आप श्रेष्ठ जीवन जीने में कामयाब हो जाते हैं और जीवन की सारी उपलब्धियां अपने कर्मों द्वारा आप अर्जित करने में सफल हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मंगल को उच्च का माना गया है, तो यहाँ मंगल हमेशा उच्च समान फल देता है, आप कर्म से कभी पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं होते, तो खूब कर्म के द्वारा जीवन की उपलब्धियां सारी हासिल करने में सक्षम हो जाते हो। 11वें घर का मंगल आपको प्रॉपर्टी से गेंस दे सकता है, छोटे भाई बहन का कारक है वहां से गेंस दे सकता है, एफर्ट्स का कारक है मंगल, एफर्ट से पैसा कमाने में, डेली प्रॉफिट का घर है, तो डेली प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? मंगल के कारक तत्वों से कमाओगे। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू भी पैसा कमा सकते हो और आप प्रॉपर्टी के थ्रू, मैंने बोला था, पैसा कमा सकते हो। यहाँ कोर्ट केसेस कचहरी से भी कई बार जीत दिलाने में कामयाब हो जाता है, आप फायर और डिफेंस सर्विसेज से भी यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। 12वें घर का मंगल मांगलिक दोष लगाता है और 12वें घर में मंगल को बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन ज्योतिष में प्रिडिक्शन में ना बहुत सारे हेर फेर आ जाते हैं, मानव जीवन देश काल परिस्थिति के अंतर्गत चलता है, तो इस जब तक हम इन तीनों चीजों को समावेश अपनी प्रिडिक्शन में नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं गच्चा खा सकते हैं। दोस्तों मेरा छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।